बीच रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये भयानक लैंडस्लाइड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। अब तक 22 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि 86 अभी भी लापता हैं, यानी कि आशंकाएं बनी हुई हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। तेज बारिश कम रोशनी के चलते अभियान को रोका गया। रायगढ़ में आज भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच गुरुवार तड़के रायगढ़ में भूस्खलन हुआ था। खलालपुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में कई लैंडस्लाइड में घर दब गए थे। मौके पर राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया लेकिन तेज बारिश और कम रोशनी के चलते ये लंबा खिंचता जा रहा है और गुरुवार से लेकर अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल उम्मीद की जा रही कि कम से कम कैजुअलिटीज हो और जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। आप आज की परिस्थिति किस तरह की आज तो काफी मतलब हद तक परिस्थिति वैसी थी जैसे कल थी। डेड बॉडी या बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी लेकिन फिर भी हमारे डॉग ने दोपहर में कुछ ऐसे बात कर दी कि दो डेड बॉडियां लोकेट कर दी और वहाँ काफी मदद हुआ इनका आज। तो अभी हालात परेशानी हालात कैसे है वहाँ पे और कितने लोग फंसे हुए की जानकारी मिल रही है, क्या हालात? अभी इतना तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता। अभी टोटल कितना काउंट हुआ है, कितने लोगों को मिले? अबाउट 20 डेड बॉडियां कवर हो गई और लाइव जितने हो गए। क्या लगता है सारे के सारे लोग मिलने की कोई आशंका है आपको? जिस तरह की परिस्थिति कितनी है, कितना अंदर पानी और कितनी मिट्टी अंदर है? मिट्टी तो काफी है, वैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं कह सकते लेकिन कोशिश जारी है और कोशिश। मैनुअली कितना चैलेंज? मैनुअली हो सकता है 30 से 40। चैलेंजिंग कितना है? आप अपने हाथों से सारी चीजें हो रही है, मशीनरी का कोई यूज नहीं हो रहा है, कितना चैलेंजिंग? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, मतलब मशीनरी नहीं है तो इतना बड़ा मिट्टी का ढेर उठाना फिर उसमें सर्च करना काफी मुश्किल आ रही है।